सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल, मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर मैथ से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूला और कौन कौन से फंक्शन हैं। बहुत सारे फंक्शन हैं मैथ से रिलेटेड एमएस एक्सेल में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको पहले थ्योरी क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा मैथ से रिलेटेड फंक्शन एमएस एक्सेल का, और मेन पार्ट जो इस वीडियो का होगा वो प्रैक्टिकल क्लास होगा, कैसे मैथ से रिलेटेड फार्मूला और फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल में, कैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे उसके सिंटैक्स देखेंगे, कैसे उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि पूरा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे वो वीडियो ऑब्जेक्टिव में आप देख लीजिए। आज हम लोग जानेंगे कि मैथ से रिलेटेड फंक्शन और फार्मूला एमएस एक्सेल में कौन कौन से हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे एब्सोल्यूट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है एलसीएम निकालने के लिए, और बहुत सारे फंक्शन हैं, और इन सारे फंक्शंस को देखने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल डेमो में उन सारे फंक्शन को यूज़ करके भी देखेंगे कैसे उसको यूज़ करना है। एक लिस्ट मैंने यहाँ पर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एज ए थ्योरी क्लास। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे फंक्शन हैं, और ये सारे फंक्शन मैथ से रिलेटेड हैं जो कि आपको एमएस एक्सेल में मिल जाते हैं। आप यहां से देख सकते हैं, शुरुआत यहां पे है, एबीएस ए से रिलेटेड फंक्शन, ए से जो भी नाम का फंक्शन है वो यहां है, बी से, फिर सी से, इस तरीके से आप कैसे भी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और मैं इसमें से कुछ आपको बता दूंगा, और ये तरीका मैं बता दूंगा जिससे कि आप कोई भी फंक्शन इन फ्यूचर जैसी ज़रूरत आपको लगे, क्योंकि सारे फंक्शन की ज़रूरत सभी लोगों को नहीं होती है, कुछ अलग अलग समय में अलग अलग काम में अलग अलग फंक्शन की ज़रूरत होती है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि चूँकि अभी सारा फंक्शन आप कर भी लेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको ये टेक्निक मालूम होना चाहिए कि कैसे किसी फंक्शन को यूज़ करें, कैसे उसको हम कभी भी इन फ्यूचर आप उसको यूज़ हम लोग कर लें अपने काम में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैथ से रिलेटेड। उसके लिए हम लोगों को चलना होगा प्रैक्टिकल क्लास में, जहां हम लोग लाइव डेमो के थ्रू मैथ से रिलेटेड फंक्शन को देखेंगे। और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलें, अगर आप नए यूज़र हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं और देखना चाहते हैं एक्सेल और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको हर वीडियो अपडेटेड मिलता रहे, नई नई वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। साथ में अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्लास, जिसमें मैथ से रिलेटेड फंक्शन एमएस एक्सेल में कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं फार्मूला टैब के अंदर मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड फार्मूला और फंक्शन। आप देख सकते हैं इसकी लिस्ट कितनी बड़ी है, आपको मैथ से रिलेटेड और ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। इसकी लिस्टिंग मैंने आपको थ्योरी क्लास में दे दी है, आई थिंक आपने उसे नोट कर लिया होगा। अभी हम लोगों को देखना है कि किसी भी फार्मूला किसी भी फंक्शन को हम अपने कैसे ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें, क्योंकि ये सारे फंक्शन आपको याद रहेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं और ये केवल मैथ से रिलेटेड है, ऐसे काफ़ी फंक्शन है जो एक्सेल में है, तो हमें ये सीखना चाहिए कि आखिर अगर कोई नया फंक्शन हमें यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करें। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ, जैसे एबीएस। एबीएस क्या है आपको कुछ नहीं पता, आप सीधा माउस को उसके ऊपर ले जाओ, आपको उसके बारे में बताएगा नीचे, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, ए नंबर विदाउट इट्स साइन। ठीक है, अब इसमें मैं आपको डिटेल नहीं बताऊँगा, इसका मतलब जहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं कि किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ये रिटर्न करता है, जिसमें एक नंबर वो हमें देता है जिसका कोई साइन नहीं होता है, विदाउट इट साइन। साइन किसी भी नंबर का पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे कॉमन सेंस अपना दिमाग लगा के सोच सकते हैं, ये जो फंक्शन है ये हमें एक ऐसा नंबर देगा जिसका कोई साइन नहीं होगा, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का साइन नहीं होता। ठीक, अब इसका कुछ एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट भी यूज़ करके देख सकते हो, नहीं तो यहाँ अगर कोई दिमाग में आपके बात नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे जाओगे तो सब कुछ यहाँ पे आपको बताएगा। यहाँ पे सिंटेक्स बता रहा है, यहाँ एग्जाम्पल भी बता रहा है। आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो फॉर्मूला को इसने यूज़ किया है, इसकी सबसे बड़ी खासियत एक्सेल की हेल्प की ये है कि वो दो तीन एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने वीडियो में हर कैटेगरी से रिलेटेड जो फार्मूला और फंक्शन है उसकी मैं हेल्प की मदद से ही आपको एग्जांपल समझाता हूँ। इसके पीछे रीज़न एकमात्र ये है कि आप इन फ्यूचर फिर दोबारा आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप जहाँ भी काम कर रहे हो ऑफिस में वहीं पे बैठे बैठे एक्सेल में हेल्प को खोल के
और उसके एग्जाम्पल से उस फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हैं और खुद से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही पर्पस है, इसीलिए मैं आपको हेल्प तो समझाता हूँ। यहाँ आप देखिए एब्सोल्यूट फॉर्मूला यूज किया गया है, प्लस टू यानी कि पॉजिटिव नंबर टू के लिए, तो इसकी रिजल्ट आपको वो टू देगा। अगर आप माइनस टू यूज करते हैं फिर भी टू देगा। अगर किसी सेल रेफरेंस को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे ए टू सेल रेफरेंस को यूज किया गया है, अगर ए टू की वैल्यू माइनस फोर है होगी तब ये रिजल्ट आपको फोर देगा। ठीक है, अब यहाँ से भी आप फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, ये इधर डिस्क्रिप्शन वाली की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतनी की जरूरत है, बस इतना को माउस पॉइंटर की मदद से लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो उतना सेक्शन आपका, उतना पोर्शन सिलेक्ट हो गया। यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और हेल्प को क्लोज कर लीजिए। यहाँ पे आप कैंसिल करके, सपोज मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ या यहाँ यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो आपको दिखा रहा है चूंकि ए टू की वैल्यू कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ माइनस फोर। ठीक है, तो देखिए आपका वो आ रहा है रेफरेंस, माइनस फोर का फोर। अगर आप टू देते हैं तो टू, ठीक है, अगर आप माइनस टू देते हैं तो प्लस टू। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज है। कैसे यूज करना है वो मैंने बताया, ए टू के रेफरेंस पे अलग अलग वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पे आपको रिजल्ट आ रहा है। ठीक, अब इसी तरीके से कोई भी फंक्शन, जो दूसरा फंक्शन आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला में जाइए, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन क्या है इसको आप देख लीजिए हेल्प से। एग्रीगेट का मतलब तो होता है टोटल, ऐसे यहाँ पे मल्टी, यहाँ पे देखिए आपको एग्रीगेट के बारे में यहाँ पे पता चलेगा, इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स ये रिसीव करता है। ये एक यूनिक फंक्शन है, इसमें फंक्शन नंबर, ऑप्शन, रेफरेंस वन, रेफरेंस टू, इस तरीके से, और इसका दो फॉर्म है, एक रेफरेंस फॉर्म है, एक एरे फॉर्म। ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, जिसमें अलग अलग फॉर्म में उसको आप यूज कर सकते हो। फंक्शन नंबर जो भी आप देंगे, यहाँ पे आपको इनकोडिंग किया हुआ है, ये एक्सेल अपने हिसाब से सेट किया हुआ है 1 से लेके 19 तक। जैसे अगर आप 1 पास करते हो तो ये जो एग्रीगेट फंक्शन है वो एवरेज निकालेगा, अगर आप 2 पास करते हो तो काउंट करेगा, 3 पास करोगे तो काउंट एग्रीगेट करेगा, 4 पास करोगे तो मैक्स आपको वो फाइंड करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शन का नंबर दिया हुआ है, जो कि इसका सबसे पहला आर्गुमेंट है किसी भी फॉर्म में। दूसरा आर्गुमेंट है इसका ऑप्शन का। ऑप्शन में आपके पास क्या क्या है, ये एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है, ये बहुत ज़रूरी जानना है। मैं आपको बता दूं कि अगर एग्रीगेट्स जैसे जो फंक्शन होते हैं उसको आप बिना हेल्प का क्विक अच्छे से रेफरेंस नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए भी मैं आपको हेल्प बताता हूँ। छोटा फंक्शन तो आप आसानी से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मल्टीपल आर्गुमेंट्स जो फंक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्रीगेट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे फंक्शंस के लिए हेल्प जो एक्सेल की अपनी है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट आर्गुमेंट जो फंक्शन नंबर है उसको आप 1 to 19 दे सकते हैं। ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है 0 to 7 का। 0 to 7 में अलग अलग ऑप्शंस की अलग अलग बिहेवियर होगी। जैसे 0 अगर आप देते हैं तो इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। अगर आप 0 देते हैं तो सब टोटल और एग्रीगेट फंक्शन का जो भी नेस्टेड सब टोटल या एग्रीगेट, अगर नेस्टेड का मतलब समझ रहे हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड। ठीक है, तो उसको ये इग्नोर कर देगा। उसी तरीके से 1 है तो इग्नोर हिडन रोज, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। अगर 1 देते हैं तो नेस्टेड जो फंक्शन है उसके साथ साथ ये हिडन रोज को भी इग्नोर करता है। इसी तरीके से 4 जो अगर आप देते हैं तो इग्नोर नथिंग, यानी हर चीज़ को कंसीडर करेगा। अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग बिहेवियर्स है। आप जो ऑप्शन यूज करोगे अपने फंक्शन में, आगे मैं आपको एग्जांपल बता रहा, इस हेल्प में दिया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा, उसी से रिलेटेड ये काम करेगा। ठीक है, उसी तरीके से रेफरेंस 1 में आपको क्या देना है, रिक्वायर्ड द फर्स्ट न्यूमेरिक आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन दैट टेक मल्टीपल न्यूमेरिक आर्गुमेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से रेफरेंस 2 में ऑप्शनल है, रेफरेंस 2 आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो दो, नहीं चाहते हो तो मत दो। न्यूमेरिक आर्गुमेंट्स 2 to 253 फॉर विच यू वॉन्ट टू एग्रीगेट वैल्यू, किस तरह का फंक्शन आप चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर फंक्शन दैट टेक एन एरे, अगर आप एरे यूज करते हैं तो रेफरेंस 1 इज एन एरे,
एन एरे फार्मूला और ए डिफरेंस रेंज ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे एरे के लिए फंक्शन यूज कर सकते हैं आप लार्ज स्मॉल, ठीक है, परसेंटाइल क्वार्टाइल, इस तरीके से बहुत सारे एरे से रिलेटेड फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो मैं आपको अब थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ, इससे क्या होगा कि अभी तक जो आपने समझा कुछ चीज़ें वो आप कम से कम देख सको कि कैसे वो काम करता है, ठीक है। चीज़ें तो बहुत सारे हैं, आप खुद से पढ़ के भी देख सकते हैं और दोबारा से भी आप अगर कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक टेबल है, मैं इसे एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ, आप करके देखिएगा। एग्रीगेट में सबसे पहला हम लोगों ने यूज़ किया है फोर, और फोर है फंक्शन नंबर के लिए। फंक्शन नंबर फोर पे क्या है जरा देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए फंक्शन नंबर फोर यानी मैक्स ये निकालेगा, ठीक है। अगर हम लोग फोर यूज़ करते हैं तो ये मैक्स के लिए काम करेगा, और ऑप्शन नंबर है इसमें सिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सिक्स क्या करता है जरा चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सिक्स इग्नोर एरर वैल्यू, यानी अगर एरर आता है तो उसको, जो भी एरर वैल्यू बीच में अगर है तो उसको इग्नोर कर देगा। अब चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट ये 96 दे रहा है। ये काम किस पे कर रहा है, A1 से लेके A11 तक। A1 पे सबसे पहले ये एरर है, ठीक है, ये फोर नंबर में भी एरर है, लेकिन इसने क्या किया है, सिक्स ऑप्शन डालने के कारण एरर्स को इग्नोर किया है, और फोर नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे ये पहला आर्गुमेंट, इससे इसने क्या किया, मैक्सिमम इसमें फाइंड आउट किया। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है उसमें 96 आपका सबसे मैक्सिमम है, वही आउटपुट यहाँ पे आपको दे रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, कैलकुलेट्स द मैक्सिमम वैल्यू व्हाइल इग्नोरिंग एरर वैल्यूज इन द रेंज, ठीक है। उसी तरीके से एग्रीगेट अगर आप 14 और 6 यूज करते हैं तो कैलकुलेट्स द थर्ड लार्जेस्ट, यानी 14 क्या करता है, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू जो होगा उसको निकालेगा, और 6 ऑप्शन यूज किया गया है, इसका मतलब हुआ इग्नोरिंग एरर वैल्यूज इन रेंज। तो थर्ड तो सबसे फर्स्ट हाईएस्ट क्या है 96, सेकेंड हाईएस्ट इसमें 81 है, और थर्ड हाईएस्ट है हमारा 72, है ना। उसी तरीके से सारे फंक्शन है, मैं आपको ये चारों फंक्शन समझा देता हूँ, पांचों फंक्शन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपका काम है, आपका होमवर्क है कि आप इन सारे फंक्शंस को, जैसे मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला कैसे कॉपी करना है, यहाँ से पहले आप इस टेबल को कॉपी कर लीजिएगा, सेम रेंज में रखिएगा, क्योंकि अगर आप रेंज सेम नहीं रखिएगा तो आपका ये फंक्शन का जो रेफरेंस है वो गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, और चेक करके देखिएगा, एग्जाम्पल्स क्लियर कीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद फिर आप अपने काम में इसको यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप उसको एग्जाम्पल को कॉपी करके चेक कर सकते हो एक्सेल में, उसको अलग अलग वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो, आप उसको एनालिसिस करना होगा, अलग अलग R&D करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, तब जाके आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगी और उस पर पकड़ बनेगी। तो आई थिंक कुछ चीज़ें आपको जरूर समझ में आ गई होंगी, जैसे मल्टीपल आर्गूमेंट्स हैं वो कैसे देना है, कैसे फॉर्मूला कैसे उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो ये चीज़ें हैं जो आई थिंक आपको देखना चाहिए। आप डायरेक्ट भी बहुत सारा फंक्शन यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे से भी रिलेटेड फंक्शन है इसमें, वो ये देखिए ये LCM है ना। अब नंबर आप डाल दो खुद का, ठीक है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसका LCM निकाल देगा। अब ये देखिए 36 है ना, तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि किसी भी एक्सेल से रिलेटेड जो मैथ से रिलेटेड फंक्शन है उसको कैसे यूज करना है। फंक्शन को डायरेक्ट लिखो, उसका हेल्प देखो, उसका एग्जांपल समझो, और बिल्कुल आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ फंक्शन है जिसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, तभी आप उसको सीख पाओगे। तो आई थिंक आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।